गाइस यार क्रिसमस तो आ गई है पर मैंने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की, ना ही कोई डेकोरेशन। शिनशान चॉप मुझ पर बहुत ज्यादा भड़केंगे यार, मेरे तो दिमाग से भी निकल गया था। अब पता नहीं वो दोनों कहाँ पर है, जल्दी से उनके पास जाता हूँ। शिनशान चॉप कहाँ पर हो तुम लोग? एक मिनट गाइस, ये क्या क्रिसमस ट्री? और यहाँ पर तो गिफ्ट भी है, ये तैयारी किसने की? ये हम लोगों ने ही किया है। कैसा लगा सरप्राइज? अरे यार बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों ने ये कर दिया, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था। हमें पता ही था कि आप ऐसा ही कुछ करोगी, और मुझे तो पूरा भरोसा था कि आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है चलो पकाओ मत, अभी ये बताओ कि हमें गिफ्ट क्या दोगे? हाँ हाँ जल्दी बताओ। अब यार थोड़े दिनों पहले ही तो टोनी ने तुम्हें गिफ्ट दिया था, बार बार क्या है? मेरी क्रिसमस, मैंने सबके घर पर गिफ्ट पहुंचा दिए हैं, अब बस एक घर बाकी है और वो है फ्रैंकलिन का, और मुझे उसके साथ थोड़ा बहुत काम भी करना है, तो जल्दी से जाता हूँ उसके घर पर, वो मुझे देख के बहुत खुश होगा। ये रहा उसका घर, वो लोग यही कहीं पर होने चाहिए, वहाँ पर नीचे तीन लोग खड़े हैं। एक काम करता हूँ, इसे यही पर पार्क कर देता हूँ, नीचे तो कहीं खड़ा करने की जगह ही नहीं है। अब फटाफट से जाता हूँ नीचे और जाकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। फ्रैंकलिन कहाँ पर हो बेटा? ये रहा वो, कैसे हो तुम सब लोग? तुम लोगों से मिलके खुशी हुई। एक मिनट, क्या ये रियल सेंटा है? गाइस यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा था सेंटा जैसा कुछ होता ही नहीं है। मुझे लग रहा है आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे घर पर पहली बार आया हूँ, इसलिए इसे भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ वो बात तो है ही है, समझे तुम दोनों, हमेशा मैं गलत नहीं होता। अब अगर सेंटा जी आप आ ही गए हो तो बताओ ना गिफ्ट क्या है हमारे लिए। मैं तुम सबके लिए गिफ्ट आया हूँ, पर खास करके तुम्हारे लिए फ्रैंकलिन। क्या बात कर रहे हो, मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, तुमने एकदम सही सुना, पर वो गिफ्ट तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें टाइम टाइम पर टास्क दूंगा, तुम जैसे वो टास्क पूरा करोगे मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तो तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें तीन अलग अलग लोकेशन पर किन्हीं भी तीन जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है। अच्छा ठीक है गाइस, यार जल्दी जल्दी चलते हैं, मुझे पता है कि जरूरतमंद लोग कहाँ पर मिलेंगे, वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। तो गाइस यार फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, किसी को खाने की जरूरत होती है तो किसी को पैसों की, अगर हम लोग थोड़ी बहुत मदद कर भी देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा और अपना भी भला हो जाएगा, और थोड़ी मदद करने से किसी के घर पर खुशियाँ आ रही है, तो गाइस उसमें क्या ही बिगड़ रहा है। चलो मैं ढूंढता हूँ, यहाँ कोई तो होगा, एक जन बैठा है यहाँ पर, इसकी तो हालत ज्यादा खराब लग रही है। अरे दादा अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको लाके देता हूँ। अरे बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना लाकर दे सकते हो? अच्छा आपको खाना चाहिए, या आसपास तो कुछ है नहीं। मैं काम करता हूँ, आपको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। इसमें पूरे $10,000 है, आपको लंबे टाइम तक किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आप इससे कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हो जिससे आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं चलो मैं मिलता हूँ बाद में। गाइस चलो एक जन तो हो गया, अभी भी दो जन बाकी है, तो जल्दी से यहाँ से निकलते और जाते दूसरी लोकेशन पर। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है किसी को, इस जगह पर शायद ही कोई होगा। एक मिनट, ये क्या, ये रो क्यों रहा है? अरे भाई साहब क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? अरे मैं क्या बताओ, मैं अपनी बाइक चला रहा था, एक गाड़ी वाला बीच में आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो तो निकल गया पर मेरी बाइक बहुत जोर से ठुक गई और ब्लास्ट हो गई। अब मैं अपनी मम्मी को क्या जवाब दूंगा? अरे पर रो मत यार, मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपको बाइक चाहिए ना, मैं आपको बाइक लाके देता हूँ, आपको सेम बाइक लाके दूंगा, वो भी पूरी की पूरी नई, फिर आपको आपकी मम्मी भी नहीं डांटेगी। ये लो, अब ठीक लग रहा है ना, रोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आरा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो डर ही गया था, घर क्या मुँह दिखाऊंगा। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मदद करने का मन कर रहा था और मैंने कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अच्छा ठीक है चलो बाद में मिलते हैं। यार इतना बड़ा हो गया, अभी भी इसकी मम्मी इसको डांटती है। अब बस एक जन बाकी है गाइस, दो तो पूरे हो गए, यहाँ पर कोई ना कोई तो मिल जाएगा। मैंने बहुत बार यहाँ पर लोगों को पैसे मांगते देखा है, हमें बस ढूंढना है। एक मिनट गाइस, यार यहाँ पर एक जन तबला बजा रहा है और नीचे एक सूटकेस रखा हुआ है, पर इसमें तो बहुत कम पैसे है यार, इसका काम कैसे चलेगा? अरे भाई साहब आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। मदद तो चाहिए, तुम मुझे कुछ खाने का ला के दे सकते हो तो दो। अच्छा ठीक है गाइस, यार इनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो, ये तीन पैकेट है और तीनों में बर्गर है, सुबह दोपहर और शाम का खाना हो जाएगा आपका। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बर्गर तो मेरे फेवरेट है, अब मैं इन्हें बड़े चाव से खाऊंगा। चलो मेरे आज का दिन का काम तो हो गया। चलो यार गाइस तीन जन पूरे हो चुके हैं, अब जल्दी से जाता हूँ सेंटा के पास, देखते हैं मैं क्या गिफ्ट मिलेगा। तो गाइस यार मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और ये रहा सेंटा, यही पर खड़ा है। अरे सेंटा मुझे
मुझे जल्दी से बताओ मेरा गिफ्ट क्या है, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो तैयार हो जाओ, ये रहा तुम्हारा पहला गिफ्ट। आउच, अबे यार गिफ्ट कौन सर पर गिराता है, वो भी इतना भारी डब्बा। गाइस यार पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। गाइस यार इस डब्बे को फोड़ने के लिए तो अपने को गनी लगेगी, जल्दी से देखता हूँ शूट करके। और ये 1 2 3 बूम, एक सोने की कैरेट। गाइस यार इसमें तो बहुत सारा सोना है। वाह चलो अपने को अपना पहला गिफ्ट तो मिला, इससे तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब बारी है दूसरे टास्क की। लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर एक रिंग बनाई गई है, वहाँ पर एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन है, तुम्हें उसे जीतना होगा। अरे ये क्या बोल रहे हो, अब पता नहीं मेरा मुकाबला किसके साथ होगा वहाँ पर। तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो ये करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है यार, गाइस जल्दी चलते हैं। लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो आपको पता ही है कौन सी है, वो है मेज बैंक। हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। चलो यार गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए, और इस बॉडी बिल्डर के साथ अपना मुकाबला। इसकी बॉडी तो देखो, इसे देख के तो मुझे अभी से डर लग रहा है। ये छछुंदर मुझे हराएगा, अबे जाके अपनी शक्ल देखा इन्हें में। गाइस यार ये तो अपनी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, समझा गया। चल खजूर इधर आ, अभी बताता तेरे को। गाइस यार ये तो इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है। अरे अरे नहीं नहीं रुक जा, अभी इसे बताते हैं। तेरी तो मैं ये ले, ये तू 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 मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा। हाँ गाइस मार रहा है। अब ये ले, ऐसा रपटा दूंगा ना कानपट्टी के नीचे। और ये खा, ले घुसंट दे लात। अबे यार फिर बच गया। आउच, हम लोग नहीं बचे गाइस। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब बताता हूँ इसको। ओ सॉरी गलत जगह लग गया, तो बिचारी की हालत खराब हो गई। क्या हुआ, मैं तो मक्के भी नहीं मार सकता था, ये तेरा टकला लाल कैसे हो गया। गाइस यार ये तो आगे पीछे सब जगह से लाल हो गया है, अब बताता हूँ इसे। अबे अबे अरे अरे जोश में आ गया, जोश में आ गया। अब इसका नारियल फोड़ता हूँ। तेरी तो भाई साहब। गाइस यार ये थोड़ा तो भारी पड़ रहा है, पर ज्यादा देर नहीं। अब ये ले, इसके तो टांगे तोड़ देते, मैं काम करता हूँ। ये लो एक और पंच, एक और पंच, और बार ये लात की। अब यार ये तो बेहोश तक नहीं हो रहा है, क्या खा के आया था घर से। गाइस यार हम लोग फिर भी ट्राई करते रहेंगे। ओ तेरी की, रुक जा रे रुक जा, मुझे लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। ओ भाई साहब फिर से बच गया। गाइस इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी तो मैं ये ले, और अब ये खा। अबे यार फिर बच रहा है, हो क्या रहा है यार मेरे साथ। गाइस अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ये ले, अबे यार फिर बच गया। तेरी तो क्या मुंह पे पंच पड़ा है। फिर से उठ रहा है। ये ले एक मुंह पे लात। अबे यार क्यों खड़ा हो रहा है बार बार। गाइस मेरा दिमाग खराब हो गया है इसकी तो। तेरी चलो फाइनली नॉकआउट हुआ। गाइस यार आखिरकार हमने कर ही दिखाया, अब जाके लेते अपना गिफ्ट। ये रहा सेंटा। यार जल्दी से मुझे बताओ मुझे क्या मिलने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मुश्किल से इसे हराया है। तो तैयार हो जाओ तुम्हारे दूसरे गिफ्ट के लिए, सेंटा तुम्हें गिफ्ट देगा। 1 2 3 ये लो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अब जल्दी से इसे खोल के दिखाओ कि तुम्हें क्या मिलेगा। गाइस यार जल्दी से निकालते अपनी गन, कहाँ गई, ये रही। अब फोड़ता हूँ इसे। 1 2 3 बूम। गाइस यार हमें एक बाइक मिली, बस दिक्कत ये है कि ये मेरी साइज से बहुत ज्यादा छोटी है। क्या यार सेंटा, ये बाइक तुम्हें अपने साथ ही रखनी होगी, क्योंकि अगला जो टास्क देने वाला हूँ तुम्हें इस बाइक से ही करना होगा, क्योंकि अगला चैलेंज है रैंप वाला। तो जाओ जल्दी से लोकेशन पर पहुँचो। चलो यार गाइस अब जैसे भी मिली है चला के जाते हैं। भाई साहब यार ये कुछ ज्यादा ही झूठी है, इतना अजीब सा लग रहा हूँ मैं इस पे। चलो फाइनली यहाँ पर तो पहुँच गया हूँ, मुझे लगता है रैंप चैलेंज यहीं पर होने वाला है। और इनसे पूछना पड़ेगा मुझे, करना क्या है दोस्त, जल्दी से बता। देखो यहाँ पर एक रैंप चैलेंज होने वाला है, जिसमें दो पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव तुम्हें बाइक से करना होगा, और दूसरा वाला हेलीकॉप्टर से। अगर तुमने 3 मिनट के अंदर ये पूरा कर दिया तो तुम जीत जाओगे। चलो अब जल्दी से जाओ, ये शुरू होने ही वाला है। अच्छा ठीक है गाइस यार जल्दी से चलते हैं। बाइक भले छोटी है पर काम तो इसी से चलाना है। अबे यार ये वाली तो संभलती भी नहीं है, मेरे पैर है ना नीचे टच हो रहे हैं। अब यहाँ से नीचे जाना है। ओ भाई साहब जरा नीचे तो देखो। गाइस यार यहाँ से तो बादल दिख रहे हैं, हम लोग कितने ज्यादा ऊपर आ गए। अब बारी है जम की, तैयार हो जाओ। 1 2 3 और ये मैं चला। भाई नहीं 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 नहीं, बच गए बच गए बच गए बच गए। ओ तेरी की क्या लगी। आउच 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 आउच। गाइस यार हमारा टाइम जा रहा है, जल्दी से जाना पड़ेगा बाइक के पास। बैठ के निकलू बस यहाँ से, फटाफट टर्न ले फ्रैंकलिन। पता नहीं कितना टाइम जा चुका होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है हम लोग जीतेंगे या नहीं। अबे यार ये बॉल बीच में किसने रख दी है, एक तो आधा रास्ता इनके वजह से दिखाई नहीं देता, इतने बड़े बड़े बॉल्स है ना। चलो 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 गाइस हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अब इसके बीच में से होकर जाना है। अबे यार आगे तो बॉल का पहाड़ है। नहीं नहीं नहीं, बच गया बच गया बच गया। और ये गोल, मुझे लगता है यार साइड से होकर निकलना पड़ेगा। हाँ गाइस साइड से ही निकलना है। अब यहाँ से नीचे सीधा, ये तो सीधी जंप थी, थोड़ा और आगे गया होता ना तो सीधा नीचे ही पहुंचता। गाइस यार मुझे लगता है नीचे हेलीकॉप्टर है, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। और ये मैं पहुंच गया।
कुछ। ओ भाई यार, गाइस सच्ची बताओ, बहुत गलत जगह बहुत जोर से लग गई है। चलो अब जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकलते। चलो चालू हो गया गाइस, अब फटाफट इन सारे टायर्स के बीच में से होके हमें निकलना है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े बॉल, इतने बड़े बड़े टायर्स, ये लोग लाते कहाँ से? अब बस एक दो रिंग और बाकी है, दो के ऊपर से तो मैं आ चुका हूँ, मतलब के अंदर से। अब ये एक और गया, अब यहाँ से सीधा अंदर से होके, और गाइस फाइनली मैंने कर दिखाया। अब बस वहां पर लैंड करना है। देखो हेलीकॉप्टर तो नहीं उतार सकता, मुझे यहाँ से जब मारना होगा। पहुंच जाना प्लीज 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 गाइस। यार अब टाइम आ चुका है खोलने का पैराशूट। अब यहाँ से हम लोग लैंड करेंगे, सीधा ट्राई करते बीच में करने की। और ये भाई क्या बात है, मैं सीधा बीच में टकराया था। इसका मतलब हमने अपना ये वाला टास्क भी पूरा किया, और मुझे लगता है मैंने 3 मिनट से पहले किया है। तो ये रहा सेंटा, जल्दी से मुझे गिफ्ट दो यार, पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला है हमें। पहले हमें सोना मिला, फिर हमें छोटी सी बाइक मिली, इस बार पता नहीं क्या मिलेगा। तो तैयार हो जाओ, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओ गाइस ये तो बहुत बड़ा डब्बा है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। जल्दी से खोल के देखते हैं अपनी ये रही गन, और ये लगाया निशाना। और भाई एक बजूका, मतलब के रॉकेट लॉन्चर। अब इससे मुझे क्या करना है? सेंटा ये क्या है यार? अब मेरी बात सुनो, अगला टास्क तुम्हें इसी से करना है। पुलिस और माफिया के बीच में भिड़त हो गई है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हें जाके पुलिस वालों की मदद करनी होगी। अगर ये वाला टास्क तुमने कर दिया तो मैं पूरे शहर को गिफ्ट दूंगा, इस पूरे शहर में गिफ्ट की बारिश होगी। अच्छा इसी बात तो चलेगा। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते यहाँ से, पता नहीं यार वो लोकेशन कहाँ पर होगी। चलो यार गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए जैसे तैसे पता करके। ओ ये लोग तो सही बोल रहे थे, वहाँ पर तो माफिया है, और ये लोग तो पुलिस पर गोलियां चला रहे। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, इन लोगों ने तो सारे पुलिस वालों को मार दिया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कहा गया हमारा बाजूका, अब इसी से इनको मारना है। ये लगा तो पहली गाड़ी पे निशाना, और ये गई। क्या बात है यार, अब बारी है दूसरी गाड़ी की। यहाँ पर रही ये, इसके बाजू में खड़ा होने वाला भी गया, एक यहाँ पर भी है। इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इन लोगों ने बहुत गलत किया गाइस। एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो है। चलो ये भी गया, अब एक फाइनल बचा है, और ये भी गया। हाँ नहीं तो चलो 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 गाइस अपना काम हो गया, आखिरकार हमने कर ही दिखाया। पर यार मैं पुलिस वालों को नहीं बचा पाया, इन लोगों ने तो पुलिस वालों को मार ही दिया है। पता नहीं सेंटा क्या बोलेगा। ये रहा सेंटा, यार मैंने अपनी बुरी कोशिश की पर मैं पुलिस वालों को नहीं बचा पाया। चिंता मत करो बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपना पूरा प्रयास किया और इन गुंडों को मार गिराया, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। मैं इस पूरे शहर में गिफ्ट्स की बारिश कर दूंगा। गाइस यार क्या बात है, गिफ्ट ऑलरेडी गिरने लगे। अब तुम सब लोग खुश हो जाओ और खुशियां बांटो सबको, मेरी क्रिसमस। गाइस यार मजा आ गया, तुमको भी मेरी क्रिसमस सेंटा। तो गाइस यार अब जल्दी से चलता हूँ शिनचैन चौप के पास। तो यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।